मैं लेन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, कृपया बस लेन को फ्री रखें। रोड पे ऐसे लगा देते हैं यार, ये रोड किसी के बाप की थोड़ी है यार, ये किसी की जागीर थोड़ी है भाई। कोई वेलकम बैक माय फैमिली, तो कैसे हैं सारे के सारे भाई लोग। लेट स्टार्ट किया हूँ अपने जिम से, होके आ गया हूँ मैं जिम में। थोड़ा सा चीज़ें कुछ 3-4 दिन की छुट्टी हो गई थी तो कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। थोड़ा सा जिम के अंदर आग भी लग गई थी, उसको भी ठीक करवाया। MCB जल गई थी एंड थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं क्लाइंट भी मैं नहीं आता हूँ तो क्लाइंट भी कम हो जाते हैं थोड़ा सा, एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अभी पर्दे लगाने हैं, थोड़ा सा धूप आ रही है बाहर से तो थोड़ा सा कार्डियो में दिक्कत हो रही है, तो पर्दे मैंने ऑर्डर कर दिए हैं पर्दे लगाने। आजकल में पर्दे लग जाएंगे तो मंडे से शायद पर्दे स्टार्ट हो जाएंगे। अरे IPL में व्यस्त है शायद, तो कोई ज़्यादा देख नहीं रहा है ब्लॉग को, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब ना के बराबर व्यूज़ आ रहे हैं। इतने व्यूज़ तो मेरे तब आ जाते थे जब मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं थे, अभी 1 लाख सब्सक्राइबर है उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे। तो उसका रीज़न ये कि है कि भाई लोग इंटरेस्टेड नहीं है देखने में, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। जिसको रोस्टिंग पसंद होगी वो रोस्टिंग देखेगा। थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं इस चीज़ से कि लोगों को जो है पता नहीं क्या पसंद आता है, बट इट्स ओके, मैं नॉलेज की वीडियो डाल रहा हूँ। लेग इंजर हो रखा है मेरा, तो लेग इंजर होने की वजह से ज़्यादा वेट नहीं मार पा रहा हूँ, बट फिर भी दर्द देना ही पड़ेगा क्योंकि अभी मसल्स बेकार हो जाएगा, मसल्स लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दूंगा। तो सिर्फ 7 वीक बचे मेरे चैंपियनशिप के, तो मेहनत पूरी रहेगी। देखो बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, वो क्या करता है, अगर मेडल आया तो भी अच्छा, नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मेडल मेरा ही आएगा या किसी का आएगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा डेफिनेटली उसी का आएगा। कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों के सामने हंसते हैं तो लोग सोचते हैं यार ये बहुत खुश है, इसके पास सब कुछ है, पैसा है, इज्जत है, दौलत शौहरत सब कुछ है, नाम है, बॉडी है, सब कुछ है। बट हम भी इंसान हैं, हम भी बॉडी बिल्डर हैं, तो क्या हुआ, हमारे सीने में भी दिल है। कई लोग ये कमेंट भी करते हैं, भाई कौन सी लाइन में जा रहे हो या क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, नॉलेज की वीडियो डालो या कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो यार मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई इंसान है, ठीक है, चाहे वो एथलीट हो चाहे कोई भी हो, उसके सीने में भी दिल होता है, उसका दिल भी धड़कता है और उसको भी तकलीफ होती है, उसके साथ भी गलत होता है। आज थोड़ा सा मैं सैड हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो मैं किसी को बता नहीं सकता। इवन मैं अपनी तकलीफ कभी किसी को बताता भी नहीं हूँ, बस कोशिश करता हूँ कि हंसता रहूँ, हंसाता रहूँ लोगों को, जिससे कि लोगों को ये मालूम ना हो कि भाई ये बंदा तकलीफ़ में है। क्योंकि अक्सर मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमारे जो हेटर्स होते हैं या जो हमारे चाहने वाले, मैं उनको बोल सकता हूँ, वो होते हैं, वो काफ़ी खुश होते हैं। बट कोई बात नहीं, किसी के खुश होने से दुखी होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं। बट एक ही बात कहूँगा भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, वो भी धड़कता है, मेरा भी मन करता है सब चीज़ करने का, फिर भी मेहनत किए जा रहा हूँ, बट अपने गोल से हटूंगा नहीं, अपने गोल पर पूरा फोकस रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत बोला करो यार कि अपने गोल पर फोकस करो या फिर आप जो है चैम्पियनशिप पर ध्यान दो। यार मुझे मालूम है मेरा गोल क्या है, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं आगे भी पहुँचूँगा। ये लाइफ की जो है ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को तकलीफ़ देती है थोड़ा सा, बट इससे मेरे गोल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं अपना काम करता हूँ, मेहनत करता रहूँगा, करता था, आगे भी करूँगा, अभी भी कर रहा हूँ। सर का एक्सेंट ही बहुत होता है भाई, उतार दी पूरी।
पे क्या लिखा हुआ है, मैं लैन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, कृपया बस लैन को फ्री रखें। अब ये एक बस यहाँ लगा दी इसने किनारे पे, एक बस यहाँ लगा दिया किनारे पे, ये देखो ये पूरी रोड इन्होंने जाम कर दी है, ठीक है। इसके आगे एक बस है वो टेढ़ी लगी हुई है, तो बाकी बसें इतनी बड़ी बड़ी बसें अगर ऐसे लगेंगी तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अभी देखो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है, यहाँ पर पीछे तक पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो ये हाल है भाई दिल्ली की केजरीवाल सरकार, क्या ये कब रूल्स रेगुलेशन कब फॉलो करेंगे भाई ये लोग, कुछ इसमें एक्शन लो यार। ये कभी भी कहीं भी घुमा देते हैं गाड़ी, कुछ भी कर देते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और सबसे बड़ी बात है ये जो रोड पे ये शोभा यात्रा फलाना यात्रा करके जो ये रोड घेर लेते हैं, जो रोड घेर लेते हैं, ये हार्दिक अभिनंदन शोभा यात्रा रोड पे ऐसे लगा देते हैं यार। ये रोड किसी के बाप की थोड़ी है यार, ये किसी की जागीर थोड़ी है भाई। कोई इसका सारे इसके टैक्स भर रहे हैं, रोड पे इन्होंने पूरा घेर रखा है, इनको क्यों अलाउड करते हैं रोड पे, मेरे को समझ में नहीं आता। ये रोड पे अलाउड नहीं होना चाहिए भाई ये सब चीज़, रोड खाली रखनी चाहिए। रोड पे लोग अगर ये सब कुछ करेंगे तो बाकी लोग चलेंगे कहाँ, इतना जाम इधर भी जाम इधर भी जाम, कहाँ जाएगा बंदा बताओ। दिल्ली का सबसे बड़ा रोना यही है भाई कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए रोड पे। मैंने खाना खा लिया, स्टफी को नहीं दिया, कैसे देख रहा देखो स्टफी क्या हुआ तेरे को, नहीं दिया चिकन नहीं दिया स्टफी का मूड खराब है, देखो कैसे मुंह रख के बैठा बेचारा, मूड खराब हो गया स्टफी का, देखो चिकन नहीं दिया स्टफी, चिकन नहीं दिया पूछ चला रहा खा लिया तेरे हिस्से का खा लिया, देखो नहीं दिया स्टफी स्टफी का मूड खराब है, मूड खराब हो गया उसका। ये चिकन है विद वेजेस के साथ, वेजिटेबल्स हैं इसमें, चिकन है अराउंड 250 ग्राम चिकन है। ये मेरे शाम की मेल है, ये मेरी चौथी मेल है, अभी एक मेल और होगी लास्ट को, वो फिश होगी सिर्फ। तो अभी जो है कार्ब्स लोडिंग थोड़ा कम हो चुकी है, प्रोटीन डाइट बढ़ चुका है, बिकॉज 7 वीक बचे हैं अभी मेरे, 7 वीक। तो ये अभी शाम की मेरी डाइट है जो मैं घर से बना के लाया हूँ, उसको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, तो आपने इस तरीके से ही बनाना है। और मेरे को थोड़ा सा नहीं खाया जाता चिकन भाई, उबला खा खा के परेशान हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें सॉस ऐड किया है सो दैट ये टेस्ट थोड़ा सा इसका बढ़ जाए। तो इस तरीके से आपने फॉलो करनी है डाइट। तो ये है मेरी लास्ट मील डिनर, लास्ट डिनर है ये, पाँचवीं मील है। इसको देखो कैसे देख रहा है, मच्छी देख के इसका करंट आ जाता तुरंत, मच्छी चिकन अंडे सब चाहिए इसको, सब चीज़ कान खड़े हो जाते हैं इसके। अभी ये जो है मेरी लास्ट मेल है, अभी आज सैलेड नहीं है मेरे पास, तो बगैर सैलेड के काम चला रहा हूँ, कल सैलेड भी आ जाएगा। कल संडे है, कल टोटली प्रोटीन डाइट होगी, कार्ब्स डाइट नहीं होगी। कल का ब्लॉग भी मैं डालूँगा आपको, आज का ब्लॉग अभी यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने भाई को प्यार दीजिए।